बिहार अनवार जिल्द नंबर 91 सफा नंबर 20 पर हदीस मौजूद है, और भी कदीमी किताबों में, किताब अल फजाइल में भी, आज से 900 साल कदीमी किताब है, उसमें भी हदीस मौजूद है कि इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते, اللهم صل على اللهم صل على محمد, اكمل के सलावत भेजे बाबा से बुलंद, اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عجل فرجهم. इमाम अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते मस्जिदुल हराम में, फी मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है तवाफ के बाद, वहां इमाम अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते. फजा रजुलुन शेखुन कबीर, एक बहुत मुसिन शख्स आया उस मकाम पर. कद फने उम्र हो फिल मासिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी मासियत परवरदिगार में गुजारी थी, यानी गुनाह बहुत किए थे. वो बूढ़ा भी था, गुनाहगार भी बहुत था, वो आया उस मकाम पर. पर नजर आए सादिक, इमाम अलैहि सलाम पर उसकी निगाह पड़ी कि जाफर सादिक तशरीफ फरमाए मकाम इब्राहिम के पास. तो उसने मौला को देकर कहा निअम शफीर इलल्लाह लिल मुज़निबीन, कितना बेहतरीन शफीर है, यानी शफात करने वाले, कितने बेहतरीन शफात करने वाले हैं मौला जाफर सादिक. सुभान अल्लाह, इलल्लाह अल्लाह की खिदमत में, लिल मुज़निबीन गुनाहगारों. फअखदा बिअस्सार अल काबा, और उस बुजुर्ग ने काबे के पर्दे को पकड़ा. वह अंशा, और उसने अशार पढ़ना शुरू किया और यकूल, और कहता जाता था बेहक के जद हादा या वली बेहक हाशमी अब तही, परवरदिगार तुझे इस हस्ती को जो यहां मकाम इब्राहिम के पास तशरीफ फरमाए इनके जद का वास्ता है, या वली ए मेरे मौला बेहक हाशमी अब तही, जो हाशमी भी है अब तही भी है तुझे उनका वास्ता है, बेहक जिक्र यूहा इलैही, उसका वास्ता के जिस पर तूने अपना जिक्र नाजिल किया, जिन पर वही नाजिल होती, बेहक वसी हिल बतल कमी, उनका वास्ता के जो मुस्तफा के वसी हैं और मर्द मैदान, ताहिरीन, और उन ताहिरीन का वास्ता इब्न अली के जो अली के दो बेटे हैं, वह उम्मेहमा और उन दो बेटों यानी हसन और हुसैन की माँ का भी वास्ता, इब्न तिलबर जकी के जो दुख्तर हैं कायनात के सबसे पाकीदा तरीन इंसान, बेहक के आइम्मत इन सलफ जमीअन और उन आइम्मा का वास्ता के जो इनके बाद है, अला मिन हाज जद्दहिम अन नबी के जो उनके जद रसूल अल्लाह ही के मिन हाज उसी रास्ते पर है, बेहक कायम अल महदी, देखिए इमाम सादिक के जमाने में है लेकिन हजरत हुज्जत के बारे में जानता है वो, अगरचे के गुनाहगार था लेकिन आइम्मा का तारुफ था उसे, बेहक कायम अल महदी इल्ला गफरता खतीअत अल अब्द अल मुसी, ए परवरदिगार तुझे कायम महदी का वास्ता है कि बस तू इन हस्तियों के सदके में माफ फरमा दे एक अब्द गुनाहगार को. हाय हाय, जब वो काबे के पर्दे को पकड़कर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सामने ये दुआएं मांग रहा था तो इमाम कहते हैं, इमाम का कलाम है कि मुझे हातिफ गैबी से इस वक्त सदा आ रही है, कह शख्स तुझे ये कहा जा रहा है कि या शेर ए बुजुर्ग काल अजम बो का अजीम, तेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है, वलाकिन गफरना लका जमी अजुनूबिक, लेकिन हमने तेरे तमाम गुनाहों को माफ किया, इसलिए कि जिन शुफा का नाम तूने लिया है उनकी हुरमत इतनी ज्यादा और उनका मकाम इतना ज्यादा है. और फिर आतिफ गैबी से सदाई फलाउ सअलतना ज़ुनूब अहलिल अर्ज, अगर तूने अपने गुनाहों के बारे में अभी सवाल किया ना, अगर तू जमीन में तमाम गुनाहगारों की शफात के लिए दुआ कर देता तो हम सबको माफ कर देते. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, ओए ओए. फकत तीन इस्तिस्ना किया गया, का फकत तीन ऐसे कि जिनको माफ नहीं करें. अब मैं क्या करूं, आदत भी वही है. क्या सही है, नाक बतलत अल अंबिया वल आइमत ताहिरीन, नाके साले की ऊंचों को काटने वाला उसे माफ नहीं करेंगे. और आप याद रखिएगा कि अमीरुल मोमिनीन के लिए सरकारी खत्मी मर्तबत ने फरमाया है कि जो अली का कातिल है वो नाके साले की कूचों को काटने वाले से ज्यादा शकी और बदतर है. ये लफ्ज यहां पर इसलिए रखा गया, वाह वाह वाह, यानी हर एक को माफ कर देंगे, अली इब्न अबी तालिब के कातिल को माफ नहीं करेंगे. वह कतलत अल अंबिया, अंबिया को कतल करने वालों को माफ नहीं करेंगे, वह अइमत ताहिरीन. सुभान अल्लाह, यानी आप गौर फरमाइएगा, यहाँ 10 मैसेज दिया गया कि अपने आप को जोड़ कर रखें, चाहे कैसे भी हालात हो जोड़ कर रखें अपने आप को आइमा अलैहिस्सलाम से. देखें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवर भी सवार थे ना, आप जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो हलाक हो गया पहाड़ पे चढ़ के, जानवर जो कश्ती में थे वो बच गए.
यानी हर हालत में हुज्जत के साथ रहें। सुभान अल्लाह, अगर हुज्जत के साथ रहोगे तो जानवर भी होगे तो बचने का इम्कान, अगर हुज्जत से हट के रहोगे तो उसकी अपनी औलाद में से भी हो तब भी हलाक हो जाए। ठीक है, ये मैसेज है। बस अज़ीज़ान ग्रामी, इस खातिर है कि मौला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना लना मुहिब्बीन, हमारे कुछ मुहिब ऐसे हैं कि लो कतअना अलवाहिद मिनहुम इरबन इरबा, अगर उनमें से हर एक के मैं टुकड़े टुकड़े भी कर दूं ना, उन पर चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, मजदाद इल्ला हुब्बा, उनका हुब उनकी मोहब्बत मुझसे बढ़ती चली जाए, कम नहीं हो। वलना मुबगजीन, और हमारे कुछ बुग्ज रखने वाले ऐसे हैं कि अल अकनाहुमुल असल, अगर मैं उन्हें शहद भी चटाता रहूं मजदाद इल्ला बुग्जा, तो अली से उनका बुग्ज बढ़ता जाए। कभी कुछ ऐसे होते हैं आप उनको कुछ सुना दीजिए उसका बुग्ज और बढ़ता जाए। कुछ ऐसे मुहिब है हम अतराफ में भी हमने देखते हैं कि चाहे कैसी भी मुसीबत उस पर आ जाए वो बस वो या अली कहता है। वाह 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 बात बात हो रही। फिर इमाम ने ऐसा ना हो कि कोई किसी उम्मीद की वजह से अपने आप को गलत ट्रैक पे लेके चला जाए कि कुछ भी करते रहो आखिर में अहले बैत बचा लेंगे, इंशाल्लाह जन्नत में पहुंचाएंगे वो। लेकिन इमाम ने यह भी फरमाया कि या कबसिफला फइन्नमा शीअतु अलीयिन मन अफा बत्नहु वफर्ज, याद रखो अपने आप को बचा के रखना धोखों से, अपने आप को बचा के रखना गलत अकीदों से। फिर फरमाया कि हम अली का शिया फइन्नमा, इन्नमा वही इन्नमा युरीदुल्लाह लियुदिबअनकुम रिसालतल्बैत वयुतहिरकुम ततहीरा वाला इन्नमा, कि इन्नमा जहां आ जाए तो गैर अंदर दाखिल हो नहीं सकता और अंदर वाला बाहर जा नहीं सकता। तो इन्नमा शिया तो अली का, अली का शिया तो फकत वो है कि मन अफा बतनहु, जिस जो अपने बतन को पाक रखे यानी शिकम को पाक रखे वो फर्ज हो, और जेर शिकम अगर इन दो आजाए जिस्मानी को वो बचा ले गुनाहों से अली का शिया जहाद हो, और फिर कोशिश करता रहे आमिल अले खालिक की, अपने खालिक के लिए अमल करते हुए, रजा तवाब हो उम्मीद रखे कि उसे सवाब मिलेगा, वह खाफ एताब हो दिल में खौफ रखे अजाब का, फैदा रायता ओलाई का, अगर तुम ऐसों को देखो वह ओला एक शीत जाफर, बस समझ जाना कि यही जाफर सादिक का शिया है। सुभान अल्लाह सुभान, तीन आजा बहुत ज्यादा अहम है, जबान शिकम जेर शिकम। वो मशहूर जो आयत है सूरह अहज़ाब की भी कि जिसमें मर्द और औरतों दोनों का जिक्र बार बार तकरार के साथ अल्लाह ने किया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वल ज़ाकिरात अअद्दा अल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अज्रन अज़ीमा। मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, खुदा के सामने झुक जाने वाले मर्द और औरतें, सादिक यानी सच्चे मर्द और औरतें, सब्र करने वाले मर्द और औरतें, अल्लाह के दिल में खौफ रखने वाले मर्द और औरतें, सदका देने वाले मर्द और औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और औरतें, अपनी इफ्फत की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, अल्लाह का जिक्र कसीर करने वाले मर्द और औरतें, उन सब के लिए अल्लाह ने मगफिरत भी रखी, अजर अजीम भी रखा। इन इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे तीन आज़ा के बारे में बात की। एक जबान के बारे में, जबान के लिए कहा वसादिकीन वसादिकात, सच बोलने वाले मर्द सच बोलने वाली औरत। फिर शिकम के बारे में कहा वसाहिमीन वसाहिमात, रोजा रखने वाले मर्द रोजा रखने वाली औरतें यानी अपने आप को हराम से बचाने वाले मर्द और औरतें, रिज्क हलाल होना चाहिए। वल हाफिजीन फुरूजा वल हाफिजात, देर शिकम के लिए कहा अपनी इफ्फत की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, जिक्र फकत जबान के तक नहीं होता, असल तर्जुमा जिक्र का है अल्लाह को बहुत ज्यादा याद रखने वाले मर्द और याद रखने वाली औरतें, अद्दल्लाहु लहु मग़फिरतन व अज्रन अज़ीमा, उनके लिए अल्लाह ने मग़फिरत भी रखी अज्र अज़ीम भी रखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।